बिहार सरकार की नाकामी के कारण ही केंद्रीय टीम को आना पड़ा। ये तो सुनिश्चित कर दिया कि बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ही बिहार का चौपट है। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप मुझे भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में कोरोना महामारी की जमीनी हकीकत की जायजा लेने पहुंची कल केंद्रीय टीम ने। पटना पहुंच के तमाम कैंटोनमेंट जोन जो थे वहां का पहुँच कर उन्होंने जायजा लिया। उन्हें पटना की आला अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा भी किया और हालांकि उन्होंने भी कहा कि बिहार में अभी भी कोरोना जो टेस्ट हो रहे हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो टेस्ट है वो बहुत कम हो रहा है, 5 से 10 हज़ार ही टेस्ट हो पा रहे हैं, जो कि जो सरकार लगातार दावा कर रही है कि 20 हज़ार प्लस टेस्ट हो रहे हैं। लगातार सरकार के दावे फेल होते दिख रहे हैं और आज इस बात को केंद्रीय टीम ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है, कोरोना महामारी के कारण काफ़ी नाजुक है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार के सिस्टम के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार का जो स्वास्थ्य सिस्टम है उस पर लगातार उंगली उठ रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर कि आरजेडी से आ रही है कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय टीम के बारे में कहते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आई है, ये तो सुनिश्चित कर दिया कि बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार नाकाम रही है। बिहार में जिस तरह से अराजक और विस्फोटक स्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर बन गई है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ही बिहार का चौपट है। इस स्थिति में केंद्रीय टीम आई है, अब देखना है कि वो क्या राहत दे पाती है। बिहार सरकार की नाकामी के कारण ही केंद्रीय टीम को आना पड़ा है। बिहार की जनता को क्या इसका लाभ मिलेगा? डबल इंजन की सरकार में जनता कराह रही है कोरोना के विस्फोट से। किसी को बेड नहीं मिल रहा, कहीं जांच नहीं हो रहा है, कोई अस्पताल के चौखट पर दम तोड़ रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार में केंद्रीय टीम आई है तो बिहार की जनता के लिए क्या सौगात लाई है, ये प्रमुख बात है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या राहत मिलेगा बिहार को, इसका क्या लाभ मिलेगा बिहार को। ये तो केंद्रीय टीम के आने से ये तो साबित हो गया कि बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम रही कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।